अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो उसकी सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है डेट इट इज़ द अबिलिटी ऑफ सर्टेन सॉइल टेक्सचर टू फिजिकली होल्ड वाटर अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका मीनिंग ये है कि किसी भी सॉइल के अंदर उसकी ये कैपेसिटी कि वो वाटर को अपने अंदर होल्ड करके रख सके। जब आप किसी भी प्लांट को पानी दे देते हैं तो उसके बाद कुछ वाटर जो होता है वो प्लांट अपटेक के थ्रू ऊपर चला जाता है प्लांट के अंदर, जो कि प्लांट अपनी फंक्शनिंग के लिए यूज़ करता है, और कुछ वाटर जो होता है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी वाटर होता है जो सॉइल जो है अपने अंदर जो है वो होल्ड करके रखती है, ताकि अगर फॉर एग्जांपल बारिश नहीं हो रही या फिर कोई पानी प्लांट को नहीं दे रहा, तो उस सूरत में जो वाटर सॉइल के अंदर होल्ड किया होता है सॉइल ने, वो अपने होल्ड किया हुआ वाटर बैड टाइम के लिए प्लांट को दे देती है, और प्लांट उस वाटर से जो है वो अपना गुजारा चला लेता है। अब हर सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। कुछ ऐसी सॉइल्स होती हैं जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, कुछ ऐसी भी होती हैं जिनकी बिल्कुल जो है वो कम होती है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का प्लांट की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जिन प्लांट्स की सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर बहुत सी डिजीज़ जो हैं वो नहीं होती, बहुत से प्लांट की ग्रोथ के जो लॉसेस हैं वो नहीं होते। जिस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है, वो अपने सेचुरेशन पॉइंट पे बहुत जल्दी पहुंच जाती है। सेचुरेशन पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जिससे आगे लिक्विड होल्ड करने की या कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सॉइल में नहीं रहती। तो जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है तो बहुत जल्दी उसका सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, और बहुत कम वाटर जो है वो अपने अंदर होल्ड करके रखती है। लेकिन जिस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसका सेचुरेशन पॉइंट जो है वो कुछ टाइम के बाद आता है, और वो काफ़ी ज़्यादा वाटर जो है वो अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है। सॉइल टू सॉइल ये चीज़ वेरी करती है। जैसे कि एग्जाम्पल दी गई है सैंडी लोम, जो कि एक ऐसी सॉइल है जिसका सेचुरेशन पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है, और क्लेई लोम जिसका जो सेचुरेशन पॉइंट है वो कुछ टाइम बाद आता है। तो ये इसकी एग्जाम्पल में आप करेंगे। जब सॉइल को वाटर मिलता है और प्लांट अपने हिस्से का वाटर जो है जितना उसको रिक्वायर्ड होता है वो अपटेक कर लेता है, और सॉइल जो है वो भी सेचुरेट हो जाती है, उसके बाद जो एक्सेस वाटर होता है, जो बाकी का बचा हुआ वाटर है, वो ग्रेविटी की वजह से सॉइल के जो है वो डाउनवर्ड मूव कर जाता है। ग्रेविटी जो है वो वाटर को अपनी तरफ पुल करती है, लेकिन जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इस चीज़ का वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो काम करती है, क्योंकि ग्रेविटी के पुल के बावजूद जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने की वजह से सॉइल जो है वो अपने अंदर वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करके रखती है। सॉइल का टेक्सचर जो है और सॉइल के जो पार्टिकल किस साइज के उसके अंदर हैं, किस शेप के उसके अंदर है, ये सारी चीज़ें जो है वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि सॉइल किस तरह की होगी, उसके अंदर कितने साइज के पार्टिकल होंगे, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो किस तरह की होगी। फॉर एग्जाम्पल जो सिल्ट लॉम सॉइल होती है उसके अंदर 30% सैंड होती है, 60% सिल्ट होती है, और 10% जो है वो उसके अंदर क्ले जो है वो प्रेजेंट होती है। और किसी भी सॉइल के अंदर जितनी ज़्यादा सिल्ट और क्ले की जो है वो अमाउंट प्रेजेंट होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो होगी। स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं उनका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज पार्टिकल। तो जो स्मॉल पार्टिकल हैं विद लार्ज साइज एरिया, उनका जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या उनके अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। जिस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़्यादा होता है, उसकी भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, ऑर्गेनिक मैटर की अपनी भी कुछ अफिनिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। तो कुछ सॉइल अपनी वजह से जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करेगी और कुछ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से एब्जॉर्ब करेगी। तो इस तरह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और सेचुरेशन पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी जो है ये वाटर की वो अमाउंट है जो कि सॉइल के अंदर तब प्रेजेंट होती है जब टोटली जो है वो वाटर जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो नीचे जा चुका हो, डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो वाटर की डिक्रीज हो गई हो,
तो जो पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। जब इरिगेशन वाटर जो है वो दिए हुए या फिर बारिश हुए हुए 2-3 दिन गुजर जाते हैं, तो सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है उस टाइम जो होता है उसके अंदर जो उसकी वाटर कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं कि वो उसकी फील्ड कैपेसिटी है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और फील्ड कैपेसिटी में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है कि जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि सॉइल होल्ड करके रखती है क्रॉप के यूज के लिए, और फील्ड कैपेसिटी जो है वो पॉइंट है जहां पर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाती है। मींस के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जिसके अंदर वाटर जो है वो सॉइल के अंदर उसका मैक्सिमम पॉइंट तक जो है सॉइल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो फील्ड कैपेसिटी है, जब सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाती है तो उस चीज को हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो ये इनके अंदर एक माइनर सा डिफरेंस है सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और फील्ड कैपेसिटी के अंदर। इन दोनों की आपने डेफिनेशंस याद करनी है और फिर इसके साथ इसकी आपने एग्जाम्पल एग्जाम्पल याद कर लेनी है।